कितने हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के संबंध में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी और आवासन एवं कार्य मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, 4 हाई स्पीड रेल स्टेशन गुजरात के साबरमती, सूरत और महाराष्ट्र में विरार और थाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने संयुक्त रूप से मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के साथ एरिया डेवलपमेंट के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रोजेक्ट स्मार्ट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने की परिकल्पना करता है ताकि यात्रियों और अन्य हितधारकों को पहुंच और सुविधा को बढ़ाया जा सके और स्टेशन क्षेत्रों के आसपास आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। मार्ग में 12 स्टेशनों में 4 हाई स्पीड रेल स्टेशनों गुजरात के साबरमती, सूरत और महाराष्ट्र में विरार और थाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। सूरत और विरार और थाने ग्रीन फील्ड हैं जबकि साबरमती ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट है। श्रृंखला का नाम पहला सेमिनार 8 मई 2023 को कब 8 मई 2023 को निर्माण भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, समरेश मजूमदार का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, लेखक, प्रसिद्ध बंगाली लेखक हैं शमशेर मजूमदार का निधन हो गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखक जिन्हें 1970 यानी 1970 में के आशांत नक्सलवादी काल को चित्रित करने के लिए जाना जाता था। 1960 और 70 के दशक उथल पुथल पर आधारित उनकी प्रसिद्ध त्रयी की पहली पुस्तक अन्य दो कालबेला और कालपुरुष उत्तर बंगाल में उनके बढ़ते वर्षों को दर्शाती हैं। वह अपने अमिनेश श्रृंखला के लिए सबसे ज़्यादा जाने वाले लेखक हैं। लेखक कवि को उनकी बेल्ट के तहत असंख्य प्रशंसाएं मिली हैं जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी शामिल है। 1984 में कालबेला के लिए जीता है। इसके अलावा उन्होंने आनंद अवार्ड और बंकिम अवार्ड से नवाजा जा चुका है। 2018 में पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, 8 मई 2023 को दिल्ली में आयोजित वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन राइट होगा, निर्मला सीतारमण। तो वित्त स्थिरता और विकास परिषद की बैठक आयोजित की गई है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 27वीं बैठक, कितनी बैठक, 27वीं बैठक की अध्यक्षता की है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है, मई 2023 में किस देश ने वार्षिक बैठक शुरू की है। तो वार्षिक बैठक किसने शुरू की है, संयुक्त अरब अमीरात ने, डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। मई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात ने वार्षिक निवेश बैठक शुरू की है। AIM दुनिया के सबसे बड़े निवेश सम्मेलनों में से एक है जो विभिन्न देशों के शीर्ष अधिकारियों, निवेशकों और व्यापार प्रतिनिधि मंडलों को अबू धाबी में मिलने, चर्चा करने और रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए एक साथ लाता है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा जारी 022 विदेश प्रत्यक्ष निवेश रिपोर्ट, जिसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने और अपनी क्षमता के मामले में UAE को क्षेत्रीय रूप से पहला और विश्व स्तर पर 19वां स्थान दिया गया है, ठीक है ना। शिखर सम्मेलन के अन्य उद्देश्यों के साथ साथ उद्यमी, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों और क्षेत्र के मैक्रो निवेश के नेतृत्व में बैंक योग निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित मंच प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है, G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप बैठक कौन सा संस्करण 8-11 मई 2023 को गोवा में आयोजित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तीसरा संस्करण, यानी ई ऑप्शन राइट होगा, तीसरी G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक गोवा में शुरू हुई है। औपचारिक DWG बैठक से पहले 8 मई 2023 को महिला नेतृत्व विकास पर एक अतिरिक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया था,
ठीक है ना। प्रतिभागियों ने IOS शिक्षाविदों, थिंक टैंक और नागरिक समाज में कई हाई प्रोफाइल विशेषज्ञ और वक्ता शामिल थे, जिन्होंने उभरते क्षेत्रों में महिला और अर्थव्यवस्था, वर्दीधारी सेवाओं में महिलाओं को नेतृत्व और कैसे महिलाएं जलवायु लचीलापन और खाद्य प्रणाली परिवर्तन के एजेंट के रूप में कार्य कर सकती हैं जैसे मामलों पर विचार विमर्श किए हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान विकासात्मक एजेंडा प्रमुख और केंद्र में आ रहा है। विशेष रूप से चल रहे कई संकटों के प्रभावों को मद्देनजर जो 2030 एजेंडे की प्रगति की तरह पीछे कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छठवां क्वेश्चन है, इसराइल के विदेश मंत्री कौन है जो मई 2023 में भारत आने और EAM जयशंकर से मिलने वाले हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एली कोहेन, ठीक है ना, एली कोहेन, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। इसराइल के विदेश मंत्री एनी कोहेन 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। इसराइल के मंत्री 9 मई को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इसराइल एक्सपोर्ट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ भारत इसराइल बिजनेस फोरम में भी शामिल होंगे। भारत और इसराइल में 2022 में द्विपक्षीय संबंधों के पूर्ण राजनीतिक संबंधों के उन्नयन में 30 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में कितने और चीते छोड़े जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5 चीते छोड़े जाएंगे, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 5 और चीते छोड़े जाएंगे। जून के मनमास में शुरुआत में पहले मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में अनुकूल शिविरों में 5 चीते, 3 मादा और 2 नर मुक्त परिस्थितियों में छोड़े जाएंगे। जानवरों को आमतौर पर मानसून के मौसम के दौरान जंगल में नहीं छोड़ा जाता क्योंकि कठोर मौसम की स्थिति और उनके भोजन का आश्रय ढूंढना और अपने नए वातावरण में अनुकूल होना मुश्किल बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। भारतीय भारोत्तोलकों के दक्षिण कोरिया में 3 रजत पदक जीते हैं। भारतीय भारोत्तोलकों ने दक्षिण कोरिया के जिंजू में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में 3 पदक जीते हैं। अजित नारायण और अजिंता सुएली पुरस्कारों में 73 किलो वर्ग प्रतिस्पर्धा करने वाले केवल 2 भारतीय भारोत्तोलन थे। विद्या देवी ने जिंजू मीट में महिलाओं में 55 किलो वर्ग में रजत पदक के साथ भारत का पदक खाता खोला था। उन्होंने क्लीन एंड जंक वर्ग में 111 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिक्शन के लिए 2023 का पुलित्ज़र पुरस्कार कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, ठीक है ना, ए और बी दोनों, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। बारबरा इंसोलवर और हर्नान डिज़ार ने फिक्शन पुरस्कार साझा किया है। पुरस्कार के लिए 2 वर्ग सचेत उपन्यासकारों में सम्मानित किया गया, डेमंड कॉपरहेड्स बारबरा इंसोलवर को, डिफेंस क्लासिक डेविड कॉपरफील्ड का आधुनिक पुनर्पाठ और हर्नान डिज़ार का ट्रस्ट 1920 में न्यूयॉर्क में स्थापित धन और छल का एक अभिनव आख्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दसवां क्वेश्चन है, पहला भारत एशिया नौसैनिक अभ्यास किस समुद्र में आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दक्षिण सीन सागर में। पहला भारत आसियान नौसेना अभ्यास 8 मई 2023 को कब? 8 मई 2023 को दक्षिण चीन सागर में संपन्न हुआ है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने सिंगापुर नौसेना गणराज्य के नौसेना प्रमुख रियर एडमिरल सिन वॉट के साथ अभ्यास का उद्घाटन किया है। अभ्यास में भाग लेने वाले 2 भारतीय युद्धपोत अब वियतनाम की ओर अपने अगले बंदरगाह की ओर बढ़ रहे हैं। आसियान समूह के साथ यह पहला ऐसा नौसैनिक अभ्यास था। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ जो है, दक्षिण पूर्व एशिया में 10 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है, ठीक है ना।
तो आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। हमारे टेलीग्राम, हमारे इंस्टाग्राम पेज क्रिटिकल स्टडी और हमारे यूट्यूब चैनल क्रिटिकल स्टडी को ज़रूर फॉलो कीजिए डेली करेंट अफेयर्स वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।